तशरीफ ले आए। हजरत 14 अक्टूबर सन 2014 ईस्वी 14 अक्टूबर सन 2014 और 18 जिलहिज सन 1435 दिया था, जरूरी था ये बताना। 18 जिलहिज्जा, देखिए मुसलमान से पूछिए कुतुब मीनार का पना उसे पता है, लाल किला कब मुकम्मल हुआ उसे पता, ताजमहल कब मुकम्मल हुआ उसे पता, तुम्हारा दीन कब मुकम्मल हुआ नहीं पता। इसलिए 18 जिलहिज सन 1435 नमाज ईद गदीर मस्जिद कूफा में ठीक 11 बजे दिन मौलाना बाकर साहब रहमतुल्लाह की जानिब से ये ऐलान। आइए आप सब उसमें शिरकत फरमाएं। एक और मुतालबा रह गया है, वो नैयर ही कर सकता है, मिस्र नैयर मजीदी के पढ़ रहा है, नैयर जलालपुरी पढ़ाने जा रहा है नैयर मजीदी को, इस वक्त आवाज देने जा रहा हूं। आइए चार मिस्र में पेश कर रहा हूं। उल्फत है जिसके दिल में जनाबे अमीर की उल्फत है। नैयर भाई जो खतें पढ़ना छोड़ देते हैं या हम लोग निजामत में भी, उनको फिर से पढ़ना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान वालों को लगता है कि ये बिल्कुल नए मिस्र हैं और वो नाम शायर का नहीं जानते। कैसेट ये जाएगा कराची वालों, सुनो, हर कैसेट यहां से जाता है कराची वाले, सुनो ये मिस्र नैयर मजीदी के हैं। और तुम भी अपने यहां मुतालबा करो, तुम्हारे यहां भी मुतालबा होना चाहिए। उल्फत है जिसके दिल में जनाबे अमीर की आवाज है ये बस उसी रोशन जमीर की, अरे 13 रजब की छुट्टी का तो शुक्रिया मगर एक और छुट्टी चाहिए रोजे गदीर की, एक और छुट्टी चाहिए रोजे गदीर की। इन मिस्रों के खालिफ जनाब नैयर मजीदी साहब तशरीफ ले आए। जनाब नैयर मजीदी साहब बाबा से बुलंदा है, चार मिसरे मजे हाजिर में मुलाजा फरमा ले। पहले के ऐसा रखता हूं कि इल्म के दर खोलता है मूसिए काजिम का नाम, इल्म के दर खोलता है मूसिए काजिम का नाम, आया कुरान है या है मूसिए काजिम का नाम, इल्म के दर खोलता है मूसिए काजिम का नाम, आया कुरान है या है मूसिए काजिम का नाम। अब दो मिसरे मुलाजा फरमाए खासतौर से के इल्म के दर खोलता है मूसिए काजिम का नाम, आया कुरान है या है मूसिए काजिम का नाम, हाथ जल जाए हवाओं के अगर छू ले उन्हें। वाह वाह वाह। इल्म के दर खोलता है मूसिए काजिम का नाम, आया कुरान है या है मूसिए काजिम का नाम, हाथ जल जाए हवाओं के अगर छू ले उन्हें, मैं जिन चरागों पर लिखा है मूसिए काजिम का नाम, हाथ जल जाए हवाओं के अगर छू ले उन्हें। इल्म के दर खोलता है मूसिए काजिम का नाम, आया कुरान है या है मूसिए काजिम का नाम, हाथ जल जाए हवाओं के अगर छू ले उन्हें, जिन चरागों पर लिखा है मूसिए काजिम का नाम, हाथ जल जाए हवाओं के अगर छू ले उन्हें, जिन चरागों पर लिखा है मूसिए काजिम का नाम, और जैसा खिला है गुलशन सादिक में गुलाब, देखिएगा दूसरा मिसरा, कि जैसा खिला है गुलशन सादिक में गुलाब, देखा ना ऐसा फूल किसी ने हजार में, जैसा खिला है गुलशन सादिक में गुलाब, देखा ना ऐसा फूल किसी ने हजार में, मैं आता है जब भी मौसम पैदाइश इमाम, कुछ लोग जलने लगते हैं फसल बहार में, आता है जब भी मौसम पैदाइश इमाम, आता है जब भी मौसम पैदाइश इमाम, कुछ लोग जलने लगते हैं फसल बहार में, आता है जब भी मौसम पैदाइश इमाम, कुछ लोग जलने लगते हैं फसल बहार में। मुलाजमाए गए इनकार करना छोड़ दो, गैबत को मान लो, इनकार करना छोड़ दो गैबत को मान लो, इनकार करना छोड़ दो। एक सलवार भेजे पर मोहम्मद वाले के, इनकार करना छोड़ दो गैबत को मान लो, रखो बदन पर सर को तुम अपने संभाल के, इनकार करना छोड़ दो गैबत को मान लो,
रखो बदन पर सर को तुम अपने संभाल के, हम उस चश्मे जुल्फकार से कोई छिपेगा क्या, नस्लों का जिसने रख दिया शजरा खंगाल के, उस चश्मे जुल्फकार से कोई छुपेगा क्या, उस चश्मे जुल्फकार से कोई छुपेगा क्या, नस्लों का जिसने रख दिया शजरा खंगाल के, उस चश्मे जुल्फकार से कोई छुपेगा क्या, नस्लों का जिसने रख दिया शजरा खंगाल के। देखिए हम लोग यही सुनते चले आ रहे, बस यही दुआ कर रहे हैं मौला जहूर फरमाइए, अब जहूर क्यों नहीं होता, अब जहूर क्यों नहीं होता, लेकिन हालात बस से बदतर होते चले जा रहे हैं। हो सकता है कि ये भी मसला है तो कि देखिए इस वक्त कितने चेहरे बेनकाब हुए, ये लश्कर यजीद सामने आ गया, तो ये भी मसला है तो कि सारी नकाबें हट जाए चेहरों से तब जहूर हो। अब चार मिश्र मुदाए कि दस्ते खुदा वही है, वही जुल्फकार है, दस्ते खुदा वही है, वही जुल्फकार है, वही जुल्फकार है, मौला को हुक्म रब का फकत इंतजार है, बेशक बेशक, दस्ते खुदा वही है, वही जुल्फकार है, मौला को हुक्म रब का फकत इंतजार है, मैं खुल जाए दुश्मनान अली तो जहूर हो, शायद यही मशीयत परवरदिगार है, खुल जाए दुश्मनान अली तो जहूर हो, खुल जाए दुश्मनान अली तो जहूर हो, शायद यही मशीयत परवरदिगार है। अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से खता मुदा फरमाए कि आप बेमिस्ल हैं अबू तालिब, आप बेमिस्ल हैं अबू तालिब, ऐन ईमान सिर्फ आप हैं, आप देखिएगा कि आप बेमिस्ल हैं अबू तालिब, ऐन ईमान सिर्फ आप हैं, आप बेमिस्ल हैं अबू तालिब, ऐन ईमान सिर्फ आप हैं आप, और कुफ्र ज़ादों को क्या खबर इसकी, मैं कुल्ले ईमान के भी बाप है, कुफ्र ज़ादों को क्या खबर इसकी, कुफ्र ज़ादों को क्या खबर इसकी, कुल्ले ईमान के भी बाप है आप, कुफ्र ज़ादों को क्या खबर इसकी, कुल्ले ईमान के भी बाप है आप, कुल्ले ईमान के भी पाप है आप, एजाज दिखाता है गमे करबो भला, और एजाज दिखाता है गमे करबो भला, पाबंदियां लगती हैं तो बढ़ती है अदा, और एजाज दिखाता है गमे करबो भला, और एजाज दिखाता है गमे करबो भला, और पाबंदियां लगती हैं तो बढ़ती है अदा, और पाबंदियां लगती हैं तो बढ़ती है अदा, और मैं क्या तेरे लिए उल्फत हैदर का नहीं हुक्म, क्या तेरे लिए उल्फत हैदर का नहीं हुक्म, क्या तेरा खुदा और है और मेरा खुदा और, मैं क्या तेरे लिए उल्फत हैदर का नहीं हुक्म, क्या तेरा खुदा और है और मेरा खुदा और, और आखिर तुम्हें ये ख्वाहिश रिश्ते जिना है क्यों, आखिर तुम्हें ये ख्वाहिश रिश्ते जिना है क्यों, क्या तेरा, क्या तेरे लिए उल्फत हैदर का नहीं हुक्म, क्या तेरा खुदा और है और मेरा खुदा और, हमें जन्नत की गिजाओं की भी लज्जत है बहुत खूब, जन्नत की गिजाओं की भी लज्जत है बहुत खूब, है मजलिस सरवर के तबर्रुक का मजा और, जन्नत की गिजाओं की भी लज्जत है बहुत खूब, है मजलिस सरवर के तबर्रुक का मजा, और शेर मुजाला फरमाया इसका लो कि है मजलिस सरवर के तबर्रुक का मजा, और शद्दाद ने जन्नत को बना दी थी जमी पर, शद्दाद ने जन्नत तो बना ली थी जमी पर, अब तक ना बना पाया कोई करबो भला और, शद्दाद ने जन्नत तो बना ली थी जमी पर, शद्दाद ने जन्नत तो बना ली थी जमी पर, अब तक ना बना पाया कोई करबो भला और, अब तक ना बना पाया कोई करबो भला और, हिकमत ये तेरी खूब है वायदे दौरा, मैं हिकमत ये तेरी खूब है वायदे दौरा, मैं मिंबर से पढ़ा और किताबों में लिखा और, हिकमत ये तेरी खूब है वायदे दौरा, हिकमत ये तेरी खूब है वायदे दौरा, हिकमत ये तेरी खूब है, हिकमत ये तेरी खूब है वायदे दौरा, मिंबर से पढ़ा और किताबों में लिखा और, हिकमत ये तेरी खूब है वायदे दौरा, हिकमत ये तेरी खूब है वायदे दौरा, मिंबर से पढ़ा और किताबों में लिखा और, मिंबर से पढ़ा और
किताबों में लिखा और मैं जी रहा हूँ वारिसे अली के इंतजार में, वो काम कर रहा हूँ जो है मेरे इख्तियार में। मैं जी रहा हूँ वारिसे अली के इंतजार में, वो काम कर रहा हूँ जो है मेरे इख्तियार में। नजफ के माहताब की फजीलतें गिनेगा कौन, मैं सितारे ला सका है क्या कभी कोई शुमार में। नजफ के माहताब की फजीलतें गिनेगा कौन, सितारे ला सका है क्या कभी कोई शुमार में। हैं दुश्मने अली के दोस्त आप ये ना भूलिए, है दुश्मने अली के दोस्त आप ये ना भूलिए, चढ़े हुए हैं आप भी निगाहे दुल्फकार में। है दुश्मने अली के दोस्त आप ये ना भूलिए, चढ़े हुए हैं आप भी निगाहे दुल्फकार में। अब ये शेर मुलाम है सिलसिले का आखिरी शेर, तो है दुश्मने अली के दोस्त आप ये ना भूलिए, चढ़े हुए हैं आप भी निगाहे दुल्फकार में। अब जबी पर सजदे का निशान दिल में बुग़्ज़े अहले बैत, जबी पर सजदे का निशान दिल में बुग़्ज़े अहले बैत। मैं चराग है मजार पर अंधेरा है मजार में, जबी पर सजदे का निशान दिल में बुग़्ज़े अहले बैत, जबी पर सजदे का निशान दिल में बुग़्ज़े अहले बैत। चराग है मजार पर अंधेरा है मजार में, जबी पर सजदे का निशान दिल में बुग़्ज़े अहले बैत, जबी पर सजदे का निशान दिल में बुग़्ज़े अहले बैत। चराग है मजार पर अंधेरा है मजार में। अभी नजर लाजपुरी साहब ने आगाह किया ये कते पढ़ते रहना चाहिए अभी भी करबला मोहल्ला में, जिसमें सफदर अब्बास जो नवा खान है उन्हीं ने हमारा कथा पढ़ा बगैर नाम लिए, और जब इन्हीं ने बताया उनको कि कथा किसका, उसके बाद भी उन्हीं ने ईरान जाके बगैर नाम लिए कथा पढ़ा, तो वाकई में हमको पढ़ते रहना चाहिए। तो वो मैं फिर पढ़ रहा हूँ क्योंकि सीढ़ी बन रही है। दो कते मुदादा फरमाया सिलसिले के कि नबी के सामने क्यों गूंगे हो गए कुछ लोग। ये जो कहा जाता है गदीर और खैबर ये सब इख्तलाफी मौजूद है, इनके पढ़ने से फसाद होता है। तो मुलाजमान के नबी के सामने क्यों गूंगे हो गए कुछ लोग, मैं नेहा था दिल में तो जाहिर इनाद क्यों ना किया। मैं नबी के सामने क्यों गूंगे हो गए कुछ लोग, नेहा था दिल में तो जाहिर इनाद क्यों ना किया। अगर विलायत हैदर की इख्तिलाफी शय गदीर खुम में किसी ने फसाद क्यों ना किया, अगर विलायत हैदर की इख्तिलाफी शय, अगर विलायत हैदर की इख्तिलाफी शय गदीर खुम में किसी ने फसाद क्यों ना किया, गदीर खुम में किसी ने फसाद क्यों ना किया। और जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, देखिएगा वसीम भाई कि जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, यही मिजाज है अपना इसी का आदि हूँ। जिसे भी करना है मुझसे अली की बात करे, यही मिजाज है अपना इसी का आदि हूँ। और अली के हक का बयां है अगर फसाद की जड़ तो फिर मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अली के हक का बयां है अगर फसाद की जड़, अली के हक का बयां है अगर फसाद की जड़, अली के हक का बयां है अगर फसाद की जड़, अली के हक का बयां है अगर फसाद की जड़ तो फिर मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, तो फिर मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। मैं बखैर खात्मा होता बहिश्त मिल जाती जहां से इश्क नबी में गुजर गए होते, बखैर खात्मा होता बहिश्त मिल जाती जहां से इश्क नबी में गुजर गए होते। अगर विलायत हैदर की नागवार तुम्हें तो तुम गदीर से पहले ही मर गए होते, अगर विलायत हैदर की नागवार तुम्हें, अगर विलायत हैदर की नागवार तुम्हें तो तुम गदीर से पहले ही मर गए होते, तो तुम गदीर से पहले ही मर गए होते। बस ये आखिरी कथा मुलाजमान है कि जो दुश्मन हैदर का जरा भी है रवादार, वो चाहे सगा खून हो अपना नहीं लगता। जो दुश्मन हैदर का जरा भी है रवादार, वो चाहे सगा खून हो अपना नहीं लगता। मैं रोता नहीं, रोता नहीं, जो रोता नहीं गम में हुसैन इब्ने अली के। जो दुश्मन हैदर का जरा भी है रवादार, वो चाहे सगा खून हो अपना नहीं लगता। मैं जो रोता नहीं गम में हुसैन इब्ने अली के, वो हंस के भी मिलता है तो अच्छा नहीं लगता। जो रोता नहीं गम में हुसैन इब्ने अली के, वो हंस के भी मिलता है तो अच्छा नहीं लगता। अब ये हालात जो इस वक्त बिगड़े हुए हालात हैं, खुदा नीस्त नाबूद करे,
उन लोगों को जो अपने नापाक इरादे ले हुए रौजे हुसैन की तरफ बढ़ रहे हैं। बस ये नारा जो हम पर वाजिब है इस वक्त लगाना, वो हमारे साथ हो जाए, एक नारा लगा ले कि मुश्किल में फिर है बिनते पैगंबर का नूरे ऐन, फिर दुश्मनों के नरगे में है शाह मशरक ऐन। मुश्किल में फिर है बिनते पैगंबर का नूरे ऐन, फिर दुश्मनों के नरगे में है शाह मशरक ऐन। जिस जिसको इस तगासे शब्बीर याद हो, नारा करे बुलंद वो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।